के हाथ जोड़ लें, भाई माफ कर दीजिए भाई, भाई छोड़ दीजिए भाई, हमको तो भाईजान बता दीजिए भाई, बहुत भाई आपके हाथ जोड़ लें भाई, कितने हो गया तुम्हारा, नहीं भाई खुलेगी नहीं भाई जान, भाई छोड़ दीजिए भाई, अरे भाई, अरे भैया खुलेगी नहीं वो, सीधा तोड़ दोगे, अरे भाई जान छोड़ दीजिए हमको भाई, भाई बहुत परेशान है भाई, छोड़ दीजिए बहुत, मुन्नी बदनाम डांस कमर डालनी तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डालनी तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डालनी तेरे लिए, अब भाई अब नहीं आता है, अब हम नहीं जाते चले, अरे हाँ बार बार वही धमकी दे रहा, वही धमकी दे रहा, बार बार तुम्हारे मान लोगे यार, मान लो अब क्या बताया जाए, हम बता रहे नहीं आता गाना तो नहीं आता है, कहाँ जा रहे हो भैया पैदल, हाईलाइट की रास्ता यही है जी, सीधे सीधे चली जाइए, आप उधर ही जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो, तो वहीं माल रोड तक जा रहे हैं, एक सर्किट हाउस तक बैठ जाओ, सर्किट हाउस तक बैठ जाऊंगा। तो क्या नाम भाई आपका, अशफाक नाम, अशफाक भाई क्या करते हो, टेंडर में काम करते हैं, और कितना टेंडी में क्या करते हैं आप, टेंडी में भाई हेल्परी का काम करते हैं ना, बेल लगा लो भाई यार, पुलिस वुलिस रोक ले क्या फायदा, बड़ी काम करते भाई, अच्छा ऐसे यार बहुत सही यार, बेल्ट तुमने लगा ली यार, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई, कितनी सैलरी उठा लेते हो महीने में, महीने का भाई सब चार संडे कट जाते हैं, हाँ कितना उठा लेते हो भाई, हमारा 7-8 हज़ार रुपये बढ़िया, हमारा भी काम है, पहले मेरे पास एक साल पहले कुछ नहीं था, एक साल में गाड़ी भी आ गई, पैसा भी आ गया, सब आ गया, समझे जी, मेरे पास सामान होता है, वो सामान हम डिलीवरी दिलवाते हैं बस, खाली सेटिंग अपनी रहती है, काहे कि सामान होता है बस, अभी वही डिलीवरी को जा रहे हैं आगे, तुमने कोई आदमी इधर का मिल जाए लोकल तो अच्छा रहेगा ना, उसको रास्ता आता समझे रहेगा ना, वो मेन सर्किट हाउस तक भाग जाएंगे, बस वही हमने कहा बस थोड़ा, और ऐसे ही हम लोगों से वो करते हैं, और कोई अगर रोक लेता तो उसको फंसा देते हैं, कह देते हैं भाई हमारे, नहीं नहीं अब इसमें आप बैठे हो तो अभी मेरे पीछे दो आदमी लगे हुए हैं जी भाई, हाँ तो इसीलिए हमने तुम्हें बताया, अब हम ड्राइवर बन जाएंगे ना, क्या बोला तूने, मालिक बना देंगे तुमको, एक उसको पीछे बैठा लिया, एक आदमी को चुपचाप बैठ गया, गरीब आदमी, थोड़ा सामान तुम्हें है हम दे देंगे, ये बैग है, नहीं भाई हम ये सब चीज नहीं कर पाएंगे, खतरा होता है क्योंकि जो पुलिस है या कोई भी ऐसी चीज वो दूर से देखा करती कौन क्या दे रहा है, हाथ नहीं जोड़ो भाई, पकड़ो नहीं हम नहीं पकड़ पाएंगे, अब गाड़ी में बैठ गए तुम अशफाक भाई, अरे नहीं भाई अब कुछ भी, आपको सब पता चल गया, ऐसे छोड़ नहीं सकते, आप कुछ भी कर दीजिए, हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, हम ये कर ही नहीं पाएंगे भाई, भाई मेरा और दूसरा एक और काम है, नहीं आपका कोई भी काम हो भाई आप करिए भाई, मैं गरीब आदमी मेहनत ऐसे ही, हाँ मैं ऐसे आदमी को ढूंढता हूँ, और मेरा एक दूसरा काम है लोगों को उठाना, उनके हाथ पैर काट के भीख मंगवाता हूँ मैं यहाँ से बाहर, बच्चे हैं छोटे छोटे दूसरे मुल्क में, बस तू आ गई, क्या काम करना पसंद करोगे, साथ में चलना कि बैग देना, नहीं भाई मैं बैग नहीं दूंगा, तो साथ में चलो फिर, ठीक है नहीं भाई साथ में से, अब तो तुम गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी खुलेगी नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, आप मार दीजिए क्या करेंगे आप, अब हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, गरीब आदमी है बच्चों का साथ, तो चलो आओ साथ में चलो फिर, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, अरे साथ अब तो बैठ गए ना, हम गाड़ी मोड़ ले वापस, नहीं भाई अब नहीं, लखनऊ की भाई आपके हाथ जोड़ रहे हैं भैया, छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए हमको भाई, नहीं नहीं गाड़ी मोड़ भाई जान छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए हमको,
भाई नहीं भाई भाईजान भाईजान माफ कर दीजिए, अब हमसे हमको माफ कर दीजिए भाई, बहुत भाई गरीब आदमी, बड़े भाई आपके पैर चू रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए भाई, बहुत गरीब आदमी है, दो दो पैसे का मोहताज है भाई, हम बच्चे हैं, मेरी अम्मा है, विधवा है, हम लोग बस यही लोग, बड़े भाई आपके हाथ जोड़ रहे हैं भाई, माफ़ कर दीजिए भाई, भाई छोड़ दीजिए भाई, हमको तो भाईजान बता दीजिए भाई, बहुत भाई आपके हाथ जोड़ रहे हैं भाई, कितने हो गया तुम्हारा, नहीं भाई खुलेगी नहीं भाईजान, भाई छोड़ दीजिए भाई, अरे भाई, अरे भैया खुलेगी नहीं, वो जीता तोड़ दोगे, अरे भाईजान छोड़ दीजिए हमको भाई, भाई बहुत परेशान है भाई, छोड़ दीजिए, बहुत मुसीबत में भाई, कसम से बता रहे अल्लाह कसम, बहुत मुसीबत में भाई, आप एक एक रुपए को मोहताज है भाई, रोक दीजिए भाई जी, छोड़ दीजिए हमको भाई, छोड़ दीजिए, गाड़ी रुकेगी वहीं पे मेरे अड्डे मेरे घर पे भाई, छोड़ दीजिए, बहुत मुसीबत में बड़े भाई, अब समझ लीजिए एक एक रुपए को परेशान है भाई, खाने को ला ले हैं भाई, पैदल जा रहे हैं सड़की जाओ तक भाई, उसमें तुम्हें अच्छा काम मिला, नहीं नहीं भाई मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा भाई, छोड़ दीजिए, मैं करना नहीं तुम्हें, नहीं हमें कोई काम नहीं करना भाई, छोड़ दीजिए, तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे, अरे काट, अरे भाई छोड़ दीजिए, कुछ भी करा लो, अरे भाई बचा लीजिए भैया, भाई तुम्हें तो कहा भाई छोड़ दीजिए भाई, भाई छोड़ दीजिए, अच्छा हाँ एक बात को बोले जी, वो कर दो हम छोड़ देंगे, क्या बोलिए, लेकिन तुम्हें इंसानियत पे छोड़ दे रहे, क्योंकि तरस आ रहा है तुम पे, इसलिए तुम्हारे साथ कर नहीं रहे, ठीक है, ठीक है भाई, कौन सा, मुझे तो सलमान खान बहुत पसंद आता है जी, सलमान खान का एक गाना सुनाओ फिर वापस गाड़ी मोड़ रहे तुम्हारे लिए, ठीक है, कौन सा गाना सुना भाई, जल्दी से सुनो आइटम सॉन्ग सुनाओ, डांस करके, डांस आते ही भाई हमको, चलो तुम्हें आदमी मौत जिंदगी के लिए अच्छा, कुछ तो करता अच्छा, है, भाई नहीं नहीं, नहीं करो जल्दी, चलती है क्या नौ से बारह आंख लड़ा के तूने मारा, चलती है क्या नौ से बारह, चलो चलो चल ले, अब हमको अब छोड़ दीजिए, गाना रुकना नहीं चाहिए, हम तुम्हें तुम्हारे एरिया में उधर चल लेना, मोड़ लेना गाड़ी, दूसरा कोई भी गाओ, कोई भी नहीं आता भाई, गाना नहीं आते हमको कैसे, एक आपने कहा तो आपकी रिक्वेस्ट, चलो दूसरा कोई दूसरा गाना सुना रहे, नहीं चलो हम सुना, नहीं 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 भाई, हम कुछ नहीं भाई, भाई सुना रहे जल्दी, रुको नहीं, गाना नहीं रुकना चाहिए, चलती है क्या नौ से बारह आग लड़ाके तूने मारा, चलती है क्या नौ से बारह, इसके आगे हमको आता भी, दूसरा गाना कौन सा, दूसरा गाना हमको नहीं मालूम, गाना नहीं मालूम आज के टाइम पे, तो हमको बता रहे बना रहे, चलो कौन सा गाना गा पर, चलो अरे हमको नहीं मालूम, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग, मुन्नी बदनाम, डांस डांस कमर, डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, अब नहीं आता है, अब हम नहीं गा चले, अरे आप बार बार वही धमकी दे रहे हो, वही धमकी दे रहे हो, बार बार तुम्हारे मान लोगे यार, मान लो अब क्या बताया जाए, हम बता रहे नहीं आता गाना, तो नहीं आता यार, नहीं आता, नहीं आता है, पक्का पक्का बतला रहे हैं यार, हाथ मिलाओ गले लगो मेरे भाग भाई मजाक कर रहे हैं यार, दूध मेरे भाई, बहुत मुसीबत है, परेशान है, एक रुपए परेशान है, पैदल जा रहे थे हमारे पास भाई नहीं ना, ये दो जरा भाई, मजाक कर रहे थे वो, हम वीडियो बनाते हैं, इधर मेरी तरफ देखो, उधर नहीं देखो, वीडियो बनाते हैं, जो लोग सीधे साधे लोग जो ऐसे हर किसी के साथ लिफ्ट में बैठ जाते हैं, उनके साथ लिफ्ट लेके बैठे ना वो, क्योंकि ऐसे गलत लोग भी जो हैं, जो लोगों को बैठा लेते हैं, तुम्हारे जैसे भोले लोगों को देख के कि पैदल जा रहा है, इधर आओ, किडनैप कर लेते हैं, दिल कलेजी फेफड़ा निकाल लेते, पहले गाड़ी में देखो, ये टैक्सी गाड़ी है क्या है, प्राइवेट गाड़ी में कौन तुमको ऐसे बैठा लेगा, जो गलत आदमी है बहानी से बुला के बैठा लेगा ना जी, सही कहने गलत भाई, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं जी, मैं शुक्लक समझ लीजिए वन जाऊंगा रहमत नगर तक, पैदल समझ लीजिए धीरे धीरे जाऊंगा, अब हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम अगर आते हो तो जाद मचुंगी से आ रहे पैदल, हमने तो आपको वहाँ पैदल आते हुए देखा, और लोग फायदा क्या उठाते हैं, जो जो ऐसा गरीब हुआ कोई ऐसा देखते कि ऐसा आदमी जा रहा है, और वो आदमी सीधा साधा होता है, चला गया आदमी तो कहे जाओ भैया आगे जाओ, नहीं जाएंगे तो ये कह देगा, इधर हाथ जोड़ो, आज के बाद हम इस तरह से अनजान गाड़ी में नहीं बैठेंगे, इस तरह से अनजान गाड़ी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि बिना जान पहचान के बैठने मेरे साथ सच में ऐसा वाकया हो सकता है, हम बिना जान पहचान के होने से
ना होने से कोई भी वाकया हो सकता है। सच में हो सकता है। अब ये मजाक हो रहा था, ये भी मजाक। जो लोग ये वीडियो को देख रहे हो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अनजान गाड़ी में बिल्कुल ना बैठे, अनजान गाड़ी में बिल्कुल ना बैठे। अब हाथ मिलाओ और मेरे गले लगो, ठीक है? ठीक है भाई। तुम आदमी बहुत अच्छे हो भाई, बैठे करो। ये लो, ये लो, इसे रखो और कोई सामान ले लेना, आगे छोड़े दे रहे तुमको। ठीक है भाई, बच्चों के लिए ठीक है, बैठा करेंगे। हम मजाक करते हैं खाली, अब थोड़ा मुस्कुरा दो। हाँ मुस्कुरा दो। और अच्छा बताओ, कितना डर गए थे तुम? सच बताना। बहुत डर गए थे। बाद में लाश में तुमने सोचा अब मरी जाए या जो हो जाए? नहीं, बहुत डर गए थे हम इस वक्त। हम समझ लीजिए मेरे हाथ पर कब गए थे, जो मैं मेरी बात है। तुम चिल्लाए तो थे, हम और डरा सकते थे, गाड़ी मोड़ते, अब रोने धोने लगते और। सच है गलत? नहीं सच है। लेकिन हमने इसलिए, हमने नहीं यार, आपने आपने जो भी करा उससे मैं बहुत ज्यादा ही घबरा गया था। मैं जो बात सोच, लेकिन अब अनजान गाड़ी में बिल्कुल कभी नहीं बैठेंगे, बाखुदा नहीं बैठेंगे। ठीक है, और इसका कोई चीज ले लेना अपने घर वालों के लिए। बच्चे अच्छे हैं? जी हाँ, दो बेटे हैं। ये वीडियो हम यूट्यूब पे डालेंगे, इससे लोग देख के मैसेज जाएगा उनके पास। ठीक है, अपना ख्याल रखो। ठीक है, कहाँ पे जा रहे हैं? यहाँ बताओ भाइयों, ये बहुत दूर से पैदल आ रहे थे, मैंने इधर से जा रहे तब भाई को देखा और मैंने सोचा इतने सीधे हैं और ऐसे सीधे लोगों का लोग गलत फायदा उठाते। तो दोस्तों ये प्रैंक किया है मैंने, तफरी मजाक में भी थोड़ा हंसी आएगी, लोग देखेंगे और इससे उनको जागरूकता भी होगी कि सच में अगर ऐसा होता, अगर हम सच में वीडियो बनाएंगे तो कोई भी वीडियो नहीं देखेगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अतपाक भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, अभी नॉर्मल हो? बिल्कुल नॉर्मल है। 2000 रुपये किराया लग जाता है, बताइए कहाँ से कैसे मैनेज करा जाएगा। अकेले आप कमाने वाले हैं? जी मैं अकेले कमाने वाला हूं। अपना नंबर दे दो अतपाक भाई, तुम जरा मेरा नंबर ले लीजिए। सानू भाई नंबर ऐसे नोट कर लो खाली इनका, तो हम आपकी हेल्प कुछ करते हैं। ठीक है, 97-95 385। ये भाईजान मेरा नंबर है।